देश में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन को लेकर लोगों को खुद जागरूक कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में साफ सफाई को लेकर नगर पालिकाएं और स्वास्थ्य विभाग इस मिशन को सिर्फ कागजों में ही पूरा कर रहा है। आलम यह है कि शहरों में गंदगी में पनप रहे मच्छरों और उनसे होने वाले मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के शिकार लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग इस पर अपनी अपनी दलीलें दे रहा है। देखिए बुलंदशहर से चेतन शर्मा की ये कोई नहीं रखा भाई, गंदगी बहुत रहती है, बच्चे गिरते हैं, स्कूल का ट्री भी घुस जाती है, गंदगी के वजह से बहुत लोग परेशान हैं। यहाँ पे सफाई नहीं रह पाती, यहाँ पे कूड़ेदान का कोई यहाँ पे नहीं बनाया है यहाँ पे, और छोटे छोटे बच्चे आते हैं स्कूल के, वो परेशान होते हैं यहाँ पे, बहुत सफाई नहीं हो पा रही है। नगर पालिका ने कोई डब्बा रखा गया ना सफाई के लिए, कोई हो रहा है यहाँ पे, शिकायत करिए बहुत पहुँच चुके हैं नगर पालिका के अंदर, शिकायत 2-3 साल हो चुके हैं, हम तो यही देखते चले आ रहे हैं यहाँ पे गंदगी। हम करेंगे करेंगे, हम कहते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है, उन कहते हैं करेंगे करेंगे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, गंदगी बहुत हो रही है यहाँ पे, हर दफा जाते हैं कहते हैं कि सफाई होती है, पुल की तो अब हाँ और ज़्यादा हो रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्यों छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोई सफाई नहीं होती है। हमने कई मरतबा ईओ से और सफाई इंस्पेक्टर से कहा यहाँ सफाई अभियान चलाना चाहिए, और यहाँ पर कूड़े का ढेर लगे हुए होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, और जब बारिश होती है तो यहाँ पर फिसलन पैदा होती है, बच्चे गिरते हैं, और जो बुज़ुर्ग महिलाएं बुज़ुर्ग हैं वो गिर जाते हैं, उनके चोटिल हो जाते हैं, इसमें सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये कूड़ा जो है मामन चौकी से परे का कूड़ा आता है यहाँ पर, लोगों में इसका भी रोष है, क्यों कि जब हमारे मोहल्ले का कूड़ा यहाँ पड़ता है तो पल्ले मोहल्ले का कूड़ा क्यों आता है इसमें। हाँ शिकायत हमने इनसे की थी, यू से नगर पालिका यूज़ को कई मरतबा हमने शिकायत भी दी है और कहा भी है फ़ोनों पे भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है आज तक यहाँ पर। और उसके बाद भी हम कई मरतबा हमने यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया है, उस बीमारियाँ फैल रही हैं और बुखार का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ रहा है इस गंदगी की वजह से। आपका नाम क्या है? जैतून। जैतून जी, यहाँ पर सफाई को लेकर कैसी व्यवस्था है? सफाई नहीं है यहाँ, गंदगी रहती है, बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पानी भर जाता है तो बच्चे नाले में को भी गिरते हैं, नाला आ रहा बराबर में, बिल्कुल ना लिखला जाता है, यहाँ स्कूल जाते हैं बच्चे, गंदगी बहुत है, अब बीमारी फैलती है बच्चों की। शिकायत? हाँ शिकायत क्या नहीं, इनको ना हुई सुनाई। क्या कहते हैं? कहते हैं हो जाएगी, ट्रैक्टर आधा ले जाता है, वो छोड़ भी जाता है यहीं थोड़ी बहुत।